तारीख 19 मार्च 1972 बांग्लादेश के अखबार इत्तेफाक ने पिछले ही दिन एक खबर छापी थी। अखबार में छपे इस आर्टिकल में इंदिरा गांधी के बोल लिखे हुए थे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हो सकता है कि घरेलू और बाहरी ताकतें भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करें, मगर मुझे यकीन है कि दोनों देशों की दोस्ती दिनों दिन और मजबूत और कामयाब होती जाएगी। और 19 मार्च 1972 को ऐसा देखने को मिला भी। इंदिरा गांधी ने ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्ती और सहयोग के 25 साल के समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते पर बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी ने साइन किए थे। आज हम आपको इसी भारत बांग्लादेश समझौते की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इंदिरा गांधी ने 1972 में बांग्लादेश का दौरा किया था। ये उनका पहला और आखिरी दौरा था। भारतीय वायुसेना के विमान हंस से वो बांग्लादेश के लिए 17 मार्च 1972 को रवाना हुई थी और सुबह 10:30 बजे बांग्लादेश के ढाका हवाई अड्डे पर यह विमान उतरा। इस दौरे से एक साल पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिस वजह से बांग्लादेश को आजादी मिली थी और बांग्लादेश के कई शरणार्थी भारत भी आए थे। लेकिन बांग्लादेश को एक पहचान जिस देश ने दी थी वो भारत ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी के उस दौरे से पहले बांग्लादेश में सभी उड़ानों पर पाबंदी थी, लेकिन क्योंकि उस देश की प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शिरकत कर रही थी जिसने इस देश की आजादी के लिए हथियार से लेकर सब कुछ दिया था, इसलिए उस दिन इंदिरा गांधी का विमान भी लैंड हो पाया। इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए खुद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इसी दिन मुजीबुर रहमान का जन्मदिन भी था और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने अपने दौरे के लिए 17 मार्च की ही तारीख चुनी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में इंदिरा गांधी के दौरे पर एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें राष्ट्रपति अबू सईद चौधरी के आवास में ठहराया गया था। 17 मार्च की ही दोपहर 3 बजे ढाका के सुहरावर्दी उद्यान के मैदान में इंदिरा मंच नाम का एक मंच तैयार किया गया था। उस मंच को नाव के आकार में बनाया गया था, जिसे इंदिरा मंच का नाम दिया गया था। इसी मंच से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की जनता को संबोधित किया था और अपने लंबे भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा से ही की थी, जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक बंगाली कविता गाई थी। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी 18 मार्च को इंदिरा गांधी ढाका के बंग भवन के एक सार्वजनिक सम्मान समारोह में शामिल हुई थी और उसी दिन रात को हुए भोज में इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि हो सकता है कि घरेलू और बाहरी ताकतें भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करें, मगर मुझे यकीन है कि दोनों देशों की दोस्ती दिनों दिन और मजबूत और कामयाब होती जाएगी। अगले ही दिन 19 मार्च 1972 को 25 साल के समझौते पर साइन हुए। हालांकि उस वक्त चीफ ऑफ प्रोटोकॉल या बांग्लादेश के सरकारी मामलों के प्रमुख फारूक चौधरी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के समझौते पर दस्तखत इंदिरा गांधी के ढाका दौरे के दूसरे दिन यानी 18 मार्च को ही हो गए थे। अगले ही दिन यानी 20 मार्च 1972 को बांग्ला अखबार इत्तेफाक में एक और खबर छप कर आती है, जिसकी हेडलाइन में लिखा होता है, अपना दौरा खत्म करके ढाका से रवाना होने से पहले इंदिरा गांधी और शेख मुजीब ने 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए थे। अब इस समझौते के मायने क्या थे ये भी आपको बता देते हैं। इस समझौते में लिखा गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे की आजादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। इसके अलावा कोई भी देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनेगा, चाहे वो सुरक्षा के खेमे में हो या फिर जमीन के इस्तेमाल के जरिए। उस वक्त चीफ ऑफ प्रोटोकॉल प्रमुख फारूक चौधरी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समझौते में कुछ भी नया नहीं था। ये समझौता भारत और सोवियत संघ नकल बराबर ही जैसा था। हालांकि समझौते पर बांग्लादेश के विपक्ष ने आलोचना भी की थी। उनका मानना यह था कि यह समझौता बांग्लादेश को भारत के हाथों गिरवी रखने बराबर ही है। खैर, 1997 तक इस समझौते की अवधि थी और तब बांग्लादेश में अवामी लीग का राज था, लेकिन ना तो भारत ना ही बांग्लादेश ने समझौते को फिर से जीवित करने की कोशिश की। खैर, ये थी भारत बांग्लादेश समझौते की पूरी कहानी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।